हमारे न्यू ब्लॉग में। सो दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं पुराना खंडर जो कि बहुत साल पुराना है, और आज हमारी टीम हमारे साथ में है, पूरे फ्रेंड हैं। तो दोस्तों, बाकी एक बात बताई जाती है कि रात में या किसी टाइम पर भी घंटियाँ बजती हैं उस पर, तो चल के देखते हैं क्या सीन है। पूरे दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी सारे दोस्त संभाल लेंगे। तो चलिए चलते आगे। बिल्कुल पास में, खंडर के पास में। बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है गाइस ये। तो यहाँ से कुछ जाने के लिए कुछ आगे का रास्ता हमको दिख नहीं रहा है। तो एक दोस्त हमारा गया है उधर की साइड ढूंढने के लिए, यहाँ पर बाइक रख दी है हमने। तो आगे जाने के लिए पता नहीं ये रास्ता कहाँ पे जाता है, पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलते हैं आगे, और आगे का रास्ता आपको ढूंढ करके बताते हैं हम, उसमें अंदर जाके आपको बताएंगे। आप पीछे देख सकते हो, सूरज की वजह से आपको ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी। तो चलते हैं। सो हे गाइस, मैं आपको कुछ अलग दिखाना चाहता हूँ, जो कि मोना के जो नए नए लौंडे हैं ना, उनने भी कुछ ये सीन नहीं देखा होगा। जो सीन मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, आप चारों साइड देख सकते हैं, जंगल ही जंगल है। तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है गाइस। तो आप आगे देखिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और डरावना भी है। दिल धक धक कर रहा है। मन भाई कुछ बताओ, दिल कैसा धक धक कर रहा है बताइए ना। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने पहली बार यहाँ के सीन देखा है, और इतना हॉन्टेड है गाइस के कुछ ही नहीं पूछ बता सकता, मैं कुछ भी नहीं बता सकता इस बारे में। सो हे गाइस, हम आ चुके हैं बिल्कुल खंडर के बीचों बीच। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, शुरुआत में, कि ये एक मंदिर है, उसमें घंटियाँ बजती हैं। बताया जाता कि कभी कभी घंटियाँ बजती हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे, और घंटी मंटी क्या बजती हैं, या अभी बजती हैं, या बाद में बजती हैं, देखते हैं आगे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खंडर वाला एरिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलें आगे। सो हे गाइस, आप देख सकते हो कितना खतरनाक एरिया है यहाँ पर, कोई आने से भी लोग डरते हैं। मैं आपको हमेशा ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा, अगर आपका लाइक और सपोर्ट रहा तो। काफ़ी ज़्यादा डरावना है अंदर वाला, आप देख सकते हो गाइस। गाइस, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डरावनी जगह है, हमको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है गाइस यहाँ पर। मैं तीन चार अपने दोस्त लेकर के आया हूँ, आप देख सकते हो ये एक पुराना खंडर है, पुराने राजा महाराजा जिन लोगों ने बनाया हो। एक आगे से मुझे कुछ यहाँ पर रास्ता दिख रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हो पीछे की साइड एक गेट सा खुला है गाइस, हम वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि कोई इंसान वहाँ पर रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि वहाँ पर एक लोहे का गेट लगा हुआ है, तो शायद वहाँ पर कोई ना कोई इंसान रहता होगा। तो चलिए गाइस चलते आगे, और आपको दिखाते हैं कि कोई इंसान वहाँ पर मौजूद है। तो चलो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे गाइस एक लग रहा है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके अंदर जाके देखा जाए। दोस्तों मुझे ज़्यादा वैसा स्थान तो नहीं लग रहा, पर पवित्र स्थान ही है वो भी, तो क्यों ना हमको इसके अंदर एंटर करना चाहिए। चलते हैं, सबसे पहले तो अपने सैंडल उतार के इसके अंदर में एंटर करते हैं, और ज़्यादा अंदर में नहीं जाऊँगा गाइस। क्योंकि
यहीं से मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर। चूम करके बता देता हूँ, इसमें अंदर जा नहीं पाऊंगा। यहाँ पर एक लोहे का गेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस। अगर ब्लॉग मेरा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गाइस, मुझे ऐसी चीज़ बार बार मैं नहीं आ पाऊँगा। यहाँ पर आप अंदर देख सकते हैं गाइस, ये गेट लगा हुआ है और अंदर आपको कैमरा घुमा करके बता देता हूँ। ये चारों साइड से एक अंदर जाने का, इधर देख रहे हो काला काला से, इसके चारों ओर से मुझे कुछ अंदर गाइस आप देख सकते हैं, इसमें अंदर जाने का भी रास्ता है, पता नहीं अंदर क्या है। जो भी है गाइस, अगर आपने ऐसे पुराने खंडर देखे हैं तो गाइस एक लाइक कीजिए, बहुत अच्छा वाला और काफ़ी ज़्यादा डरावना भी है। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसी जगह पर आएँ तो प्लीज़ सेफ्टी से आएँ और अपने 3-4 दोस्तों के साथ में आएँ, क्योंकि मेरे साथ में आप देख सकते हो 4 लोग और हैं, हम पूरे 5 लोग आए हुए हैं यहाँ पर इस जगह पर ब्लॉग बनाने के लिए। गाइस, जैसा कि हमें लोगों ने बताया था कि यहाँ पर एक किला है फूटा हुआ, जिसके अंदर घंटी की आवाज़ आती है, पर उसी के ऊपर हम आए थे कि घंटी की आवाज़ आती है या नहीं आती, बट यहाँ पर हमको कोई भी घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो दोस्तों आपको अगर इसका आगे का ब्लॉग चाहिए उसके अंदर जाने का, उसके अंदर हम आपको जाके बताएंगे, एंटर करके बताएंगे। कमेंट में बताओ आपने ये वाला खंडर घूमा है या नहीं घूमा, हमारे आसपास के जो लोकल के लोग हैं उनने घूमा है या नहीं, और बाहर के लोग जो देख रहे हैं तो उनको सिर्फ यही बताना है कि ब्लॉग कैसा लगा। सो गाइस, इस खंडर की एक बात तो मैं आपको बता दूं, काफी ज्यादा डरावना है, और नहीं तो आप पीछे अरशद भाई से पूछ लीजिए कितना ज्यादा डरावना है। मेरा भाई अरशद बताइए जरा, सीन है यहाँ पर। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें बताना कमेंट में, हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अंदर जाके देंगे, इसमें अंदर आपको सीन दिखाएंगे क्या अंदर वाला सीन भी हम आपको बता देंगे। काफी ज्यादा डरावना है गाइस, अगर यहाँ मोना के नोकल लोग, मोना ग्वालियर जो भी आप इधर आते हो घूमने के लिए, तो दोस्तों बताइए कि आपने ये वाला खंडर देखा है, काफी ज्यादा डरावना है। तो हे गाइस, हम आ चुके हैं खंडर से बाहर। तो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त, और आप बताइए कि भाई कैसा ब्लॉग लगा, कमेंट में करके एक बार बताइए तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे कि कोई बंदा हमें कमेंट तो कर रहा है, बता तो रहा है इसमें हमने क्या मिस्टेक की है, क्या गलती की है, क्या हमने अच्छा किया इसमें। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने भाई पर बनाए रखें अपना प्यार बहुत सारा, थोड़ा मोड़ा प्यार की ज़रूरत नहीं, हमको बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने घर पर। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।